Hi students, it's our part first of third chapter for 11th class, and that is Discovering Tut. The saga continues, written by A.R. Williams. So let's start the chapter. Third chapter, Discovering Tut. The saga continues. Saga means story, है ना, कहानी। तो ये किसके बारे में है? टट के बारे में, ठीक है। ये कैरेक्टर का नेम है, इसमें किंग है ये टट, तो इसके बारे में है। ये बहुत सेंचुरीज पहले था, और अब उसकी जो टॉम है उसको सर्च किया गया था, डिस्कवर किया गया था, तो इसीलिए उसके बारे में, उसकी कि भाई वो कैसे मरा, क्या हुआ था, फिर उसको जब डिस्कवर किया गया तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, है ना, टॉम कहाँ मिली, क्या हुआ, और किसको मिली, किसने क्या सर्च किया, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में है। रिटन बाय A.R. विलियम्स। सो लेट्स स्टार्ट। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। ही, यहाँ पर अब टट की ही बात चल रही है ना, कि ही वो जस्ट अ टीनेजर। टीनेजर कौन होते हैं? वो बच्चे जो 12 से और 20 साल के बीच के बच्चे जो होते हैं ना, वो बच्चे, है ना। तो मतलब बच्चा ही था ये, तो एक 12 से और 20 साल के बीच में, तो आप लोगों की तरह ही, है ना। ही वो जस्ट अ टीनेजर, यानी कि एक बच्चा ही था वो 12 से 20 साल के बीच का। व्हेन ही डाइड, जब वो मरा। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली। अब वो एयर मीन्स, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, है ना। तो राजा की फैमिली से बिलोंग करता था, तो मतलब क्या था, उत्तराधिकारी था, राजकुमार था, तो लास्ट उत्तराधिकारी था ऑफ अ पावरफुल फैमिली। पावरफुल फैमिली का, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। कि जिसने, जो फैमिली है ना उसकी बात कर रहे हैं, कि जिसने इजिप्त पर शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर, और इसके साम्राज्य पर शासन किया था फॉर सेंचुरीज, मतलब कई शताब्दियों तक। ही वॉज लेड, उसको लेटा दिया गया टू रेस्ट, आराम करने के लिए। लेडन, लेडन मीन्स लाद कर, विद गोल्ड, सोने से, यानी कि उसको लेटा दिया गया सोने से, लाद कर, मतलब जब वो मर गया ना तो उसको किस में, टॉम में लिटा दिया, और सोने से लाद दिया, उसके ऊपर बहुत सारा सोना रख दिया। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और अंत में, इवन लास्टली क्या हुआ, उसको भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, कि जब से इसकी डिस्कवरी हुई है, मतलब जब से ये खोजा गया है, मिला है ना 1922 से, तब से द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। स्पेक्यूलेटेड मीन्स गैस करना, इमेजिन करना, ड्रीम अप करना, यानी कि अनुमान लगाना। अनुमान लगा रहा है मॉडर्न वर्ल्ड, तब से ही अनुमान लगा रहा है कि भाई अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसके साथ क्या हुआ था। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और जो ये सब स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, मतलब गैस कर रहे हैं कि इसके साथ क्या हुआ होगा, तो उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा सामने आ रही है, और वो क्या है कि भाई इसका क्या हुआ है, मर्डर हुआ है, ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। नाउ लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अब पहली बार 80 सालों में पहली बार वो अपनी क्या कर रहा है, टॉम को छोड़ रहा है, निकल रहा है उससे बाहर। मीन्स टट से मतलब ये नहीं है कि टट की जो मम्मी है, मीन्स उसकी जो डेड बॉडी है वो, है ना। और डेड बॉडी भी क्या, अब तो उस क्या है, स्केलेटन रह गया है ना, तो वो चीज़ आ रही है बाहर। टट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। अब टट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन, अब जो टट है उसका क्या हुआ, सीटी स्कैन हुआ है ना, शरीर का करते ना सीटी स्कैन, जिससे पता चल जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है पूरे शरीर के अंदर। दैट ऑफर्स, जिसने क्या बताया, न्यूक्लियस, क्या दिए हमें, न्यूक्लियस दिए अबाउट हिज लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में, एंड डेथ, और उसकी मृत्यु के बारे में।
एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा. प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्ट, ठीक है. तो उसने हम क्या दिया, प्रिसाइज डेटा, मतलब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सटीक डेटा दिया फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फैरो. देखिए उसका क्या दिया है, बिल्कुल सटीक डेटा दिया है उसके बारे में, फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन. फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस और एंड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी कि उसमें क्या किया जाता है कि आपके फेस को या फिर आपके बॉडी को रिक्रिएट किया जाता है कि भाई ये जो जैसे कि आपको क्या दे दिया, आपको एक जैसे स्केलेटन होता है तो उसका सर दे दिया है ना, और उससे उसके फेस को रिक्रिएट कर करके ये रिक्रिएट करके ये देखा जाता है कि भाई हाँ ये जो पर्सन है ये ऐसा होगा जब ये जीवित होगा. तो जिसकी आइडेंटिटी हमको नहीं पता कि ये कौन है क्या है, तो उसकी क्या की जाती है, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि भाई ये कौन है, ठीक है. तो उस फैराओ की क्या की गई थी, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, ताकि जो मतलब, और उससे क्या मिला था, प्रिसाइज डेटा यानी कि सटीक डेटा उसके बारे में पता चला था सीटी स्कैन से और फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन से. एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स. देखें, एन एंग्री विंड स्टर्ड अप, स्टर्ड अप मतलब हड़कंप मचा देना, बहुत ज़ोर से चलना. तो जो एक गुस्से वाली हवा चलने लगती है जो कि क्या कर देती है, वहाँ पर हड़कंप मचा देती है. घोस्टली डस्ट डेविल्स, और क्या ये जो भूतों जैसे राक्षस के जैसे जो मिट्टी है वो उड़ने लगती है. अब हवा है तो हवा के साथ तो मिट्टी उड़ती है, तो वो उड़ने लगती है. एज किंग, कब ऐसा कब होता है, जब जो वो किंग टट है वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब उसको उसके रेस्टिंग प्लेस से यानी कि टॉम से बाहर निकाला जाता है ना, तब ये सब कुछ होने लगता है. क्या, एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, ठीक है. रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री, कहाँ से निकाला जाता है, जब एंशियंट प्राचीन इजिप्टियन जो कब्रिस्तान है ना, सिमेट्री मीन्स कब्रिस्तान, वहाँ से निकाला जाता है, तब क्या चलने लगती है, धूल भरी आंधियाँ चलने लगती है, यू कैन से दैट, है ना. नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, अब जो ये एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स. ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन बन सकता है ना, तो इसको याद रखिएगा. डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे. डार्क बेलीड क्लाउड्स, बेली मीन्स क्या होता है, निकला हुआ, है ना. बेली किसको कहते हैं अपन, पेट को कहते हैं ना, तो निकला हुआ पेट. तो यानी कि जो क्लाउड्स थे ना वो क्या थे, निकले हुए थे, मोटे मोटे थे, डार्क कलर के. तो डार्क बेलीड क्लाउड्स, क्लाउड्स का पेट निकला हुआ था एक तरीके से. हैड स्कडेड अक्रॉस, स्कडेड मीन्स क्या होता है, तेज़ी से चलना, ज़ोर ज़ोर से चल रहे थे उस डेजर्ट स्काई जो था ना उसके अंदर, स्काई के अंदर ज़ोर ज़ोर से चल रहे थे ऑल डे पूरा दिन. एंड नाउ, और अब वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, और अब वेलिंग का मतलब क्या होता है, पर्दा कर देना, है ना. क्या करा उन बादलों ने, क्या किया कि जो स्टार्स थे ना उनको वेल कर दिया, मीन्स पर्दा डाल दिया उनके ऊपर, इन कास्केट ग्रे. अब कास्केट ग्रे जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, कास्केट का मतलब क्या होता है, बॉक्स होता है, ठीक है. ग्रे का मतलब क्या होता है, ग्रे का मतलब ग्रे कलर होता है, भूरा कलर होता है. तो ये स्काई को कंपेयर कर रहा है उससे कि भाई जो स्काई था ना, जैसे ही उसके ऊपर बादल आए ना, तो वो क्या हो गया, स्टार्स थे उस जो स्टार्स थे उनको उन बादलों ने ढक लिया, और वो कैसा बन गया, कास्केट बन गया, यानी कि भूरा बन गया, यानी कि डार्क इन कलर, है ना,
कलर में क्या हो गया, वो डार्क हो गया क्योंकि बादलों ने सब कुछ ढक लिया। अब जैसा कलर बादलों का है वैसा ही आपको नजर आएगा। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। अब उस दिन क्या था, 6 बज रहे थे और 5 जनवरी का टाइम सॉरी दिन था 2005 में। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इंटू अ सीटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू प्रॉब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो। देखिए क्या कह रहा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी। अब जो संसार की जो सबसे प्रसिद्ध जो ममी थी, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इंटू अ सिटी स्कैनर, क्या किया गया, ग्लाइड मीन्स खिसकाना सरकाना है ना, तो उसको क्या किया गया, सिटी स्कैन में सबसे पहले उस क्या डाला गया, उसका सर डाला गया। ब्रॉट हेयर, वो उसको ये जो मम्मी है वो लाई गई थी हेयर टू प्रॉब द, प्रॉब प्रॉब का मतलब क्या होता है, मतलब इंक्वायरी करना है ना, इंक्वायरी यानी कि जांच के लिए। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, किसकी जांच के लिए, जो लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज है ना, ये देखिए लिंगरिंग का मतलब क्या होता है, कोई काम जो बहुत टाइम से चल रहा है ना, तो मेडिकल मिस्ट्रीज यानी कि जो मेडिकल यानी कि उसके अंदर जो टट की जो मम्मी थी उसके अंदर, मतलब उसकी जांच के लिए कि उसके अंदर मेडिकल जो मिस्ट्रीज थी कि भाई वो कैसे मरा, कुछ अपने आप से उसको कुछ हो गया था या किसी चीज़ ने उसको किसी ने उसको मारा या क्या हुआ उसके साथ, तो वो मेडिकल मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए जो कि बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, यानी कि जो ये यंग रूलर था ना, जो क्या था, जिसको मतलब थोड़ा मतलब उसके बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा था ना, हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो, जो कि 3,300 साल पहले, मोर देन और ये भी क्या लिखा हुआ है, मोर देन यानी कि इससे भी ज़्यादा, 3,300 से भी ज़्यादा साल पहले मरा था, उसकी जांच चल रही थी ये, ठीक है। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैज़ डिसेंडेड इंटू द क्रैम्प्ड रॉक आउट टॉम some 26 feet underground to pay their respects. देखिए all afternoon the usual line of tourists, कि पूरी दोपहरी means पूरे दिन, the usual line of tourists, जो tourist की यानी कि जो बाहर से आने वाले लोगों की जो line थी ना, usual line जो कि ऐसे ही चल रही थी, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार से, कोई कहीं से आ रहा था कोई कहीं से आ रहा था देखने के लिए, हैज़ डिसेंडेड इंटू द क्रैम्प्ड रॉक आउट टॉम। डिसेंडेड मीन्स, डिसेंडेड इंटू मीन्स नीचे उतरना है ना, उतरना, तो वो कहाँ उतर रहे थे, नीचे उतर रहे थे द क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड मीन्स नैरो तंग है ना, रॉक आउट टॉम यानी कि चट्टान को काट कर जो बनाया हुआ जो टॉम था ना, उसमें नीचे उतर रहे थे, जो कि क्या था, 26 फीट नीचे था, अंडरग्राउंड था। और क्यों जा रहे थे वहाँ, टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, रेस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए, उनको देखने के लिए जा रहे थे वो। दे गेज्ड, गेज्ड मीन्स घूरना, लगातार देखना, एट द मुरियल्स ऑफ सॉरी ऑन द walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. देखें, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. अब देखिए, they gazed, वो घूर रहे थे at the murals of, on the sorry, murals क्या होता है, ये होता है wall painting है ना, यानी कि जो दीवारों में चट्टानों के ऊपर ही बना दी जाती है, उकेर दी जाती है, वो देख रहे थे उसको घूर घूर कर।
ऑन द वॉल्स, जो कि किस पर थी, दीवारों पर थी। ऑफ द बरियल चैम्बर, बरियल चैम्बर यानी कि वो कक्ष जहाँ पर दफनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें वहाँ पर जो दीवारों पर जो आकृति बनी हुई थी उनको वो घूर घूर कर देख रहे थे। एंड पियर्ड, और किसको पियर्ड मतलब झांकना, पीप करना, झांक झांक कर देख रहे थे। एट टट्स गिल्डेड फेस, गिल्डेड, गिल्डेड का मतलब क्या होता है, कवर्ड विद गोल्ड, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ से कवर्ड होना जो कि गोल्डन कलर की है ना। तो उसके जो टट का जो गिल्डेड फेस था ना, यानी कि गोल्ड से जो ढका हुआ था, उसको देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, अब जो उसकी कॉफिन लीड थी, यानी कि कॉफिन क्या, जो उसका ताबूत था, है ना, ताबूत का जो आउटर पार्ट था वो क्या था, मम्मी शेप का ही था, है ना, ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से था, तो वो इसको क्या कर रहे थे, ये क्या है, स्ट्राइकिंग फीचर है जो ये जो टट का जो गिल्डेड फेस है और जो ये मम्मी शेप आउटर कॉफिन लीड है, ये क्या है, स्ट्राइकिंग फीचर है उसका। स्ट्राइकिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, है ना। देखिए, सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, अब कुछ विजिटर्स ऐसे थे जो कि गाइड बुक से, यानी कि गाइड बुक आती है ना किसी भी जगह पर हम घूमने जाते हैं तो वहाँ के लिए एक बुक आती है ना, कि उसके बारे में कि वहाँ का क्या तो माहौल है, क्या वहाँ पर वेदर है और कैसे कहाँ जाना है, कहाँ पर रहना है, मतलब सारी चीज़ें उसके बारे में बताई जाती है, यानी कि उसकी एक हिस्ट्री बताई जाती है। तो इस गाइड बुक में क्या था, वही हिस्ट्री थी टट की। तो वो धीरे धीरे, विस्पर मतलब धीरे धीरे, बुदबुदाना, धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अदर्स, और बाकी, स्टूड साइलेंटली, और बाकी क्या खड़े थे, चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स, शायद, पोंडरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, लेट टीन्स का मतलब क्या है, यानी कि वो 12 साल, मैंने आपको क्या बताया, टीनेजर का मतलब ये होता है कि 12 से 20 साल का बच्चा, लेकिन जब लेट टीन्स बोल रहा है तो मतलब वो 18-19 साल का था, है ना। तो पॉन्डरिंग मीन्स क्या होता है, विचार करना, है ना। परहैप्स पॉन्डरिंग यानी कि शायद वो विचार कर रहे थे कि टट किस बारे में, टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, यानी कि जब वो 18-19 साल का था तो उसकी अनटाइमली यानी कि अचानक से, मतलब वो उस समय तो नहीं था कि भाई वो बूढ़ा हो गया था या कुछ हो गया था उसको, तो वो मर गया, तो अनटाइमली डेथ उसके बारे में वो सोच रहे थे। और वंडरिंग विद अ शिवर ऑफ इन सॉरी इफ द फैरोज कर्स, और हैरानी से वो क्या कर रहे थे, कांप रहे थे, इफ यदि जो फैरो का जो कर्स था, फैरो का कर्स, कर्स क्या, श्राप, और वो श्राप क्या था, डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, वॉज रियली ट्रू, कर्स क्या था कि भाई जो भी मृत्यु और मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य, फॉलिंग अपॉन उस पर, उसका दुर्भाग्य होगा और उसकी मृत्यु होगी, जो भी दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, जो भी उसको परेशान करेगा ना उसके साथ बुरा होगा, वॉज रियली ट्रू। अब वो ये सोच रहे थे कि ये सच में, क्या ये सच में सच बात है कि जो भी उसको परेशान करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी या उसका बुरा होगा। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, सेड जाही हवास। देखिए कि जो मम्मी थी ना किसकी, टट की, तो वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी, और क्यों, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड, किस वजह से, जो कि कार्टर ने किया, कब, 1920 के आसपास की जो ईयर्स थी उसमें। और ये बात कौन कह रहा है, सेड जाही हवास, जाही हवास कोई कह रहा है, और ये कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई जो सर्वोच्च परिषद, जो प्राचीन काल का, प्राचीन काल की चीज़ों को जो सर्च करते हैं और उनकी बारे में देखते हैं कि ये चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड है, कि प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, इनसे रिलेटेड जो काउंसिल है ना, परिषद है, उसका क्या है, सेक्रेटरी जनरल है जाही आवास, है ना।
तो वो कह रहा है कि भाई कि मम्मी की जो कंडीशन है ना, वो बहुत ही बैड कंडीशन है, क्योंकि जो कार्टर ने किया था ना इसके साथ 1920s में, मीन्स के आसपास, तो इस वजह से इसकी हालत बुरी है। एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। और ऐसी बात, ये जो द मम्मी से लेकर 1920s तक लिखा हुआ है, ये बात कहते वक्त वो क्या कर रहा था, वो बॉडी के ऊपर झुक कर उसको देख रहा था, और झुकते झुकते कह रहा था कि मम्मी तो बहुत ही बैड कंडीशन में है, ठीक है ना। कार्टर, अब कार्टर कौन है, कार्टर होवर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। अब ये देखो, टट के बारे में बोला है कि कंप्लीट नेम क्या है उसका, होवर्ड कार्टर। दैट इज, अब ये है कौन, वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, तो ये कौन है, वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता, यानी कि पुरानी चीज़ों की जो खोज करते हैं और उनको ढूंढते हैं और उनकी मतलब उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, वो हु इन 1922 डिस्कवर टर्ट स्टोन आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, है ना, बेकार। कि उनको 1922 में उन्होंने टट की टॉम को क्या किया था, डिस्कवर किया था, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, यानी कि कई सालों की बेकार की मेहनत करने के बाद उनको 1922 में वो मिले थे। हमने स्टार्टिंग में, जब हम स्टार्ट किया था चैप्टर, तभी हमने पढ़ा था, है ना, कि क्या 1922, ठीक है ना, कि सर्च सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, तो ये किसने की थी, ये किसने की है, कार्टर ने, ठीक है ना। इट्स कंटेंट्स, अब जो जो वो मम्मी है उसका जो कंटेंट है, यानी कि उसका जो सामान है उसके अंदर, दो हैसली रेंसेक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कम्प्लीट। यद्यपि वो जल्दबाजी में, हैसली मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में, रेंसेक्ड मतलब टूट फूट हो जाना, इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कम्प्लीट। वो यद्यपि वो जल्दबाजी में वो क्या थी, वो चीज़ें टूट फूट गई थी, इधर उधर हो गई थी, लेकिन कम्प्लीट थी, उसमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं थी, गुम नहीं थी, सारी चीज़ें थी उसके अंदर। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। अब उनके पास वो क्या चीज़ थी, उनके पास वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था, शाही कलेक्शन था, जो कि उनको अब तक प्राप्त हुआ है, यानी कि ऐसी बॉडी या ऐसी मम्मी जो उन्होंने अब तक डिस्कवर की है, उनमें सबसे रिचेस्ट ये है। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेराउज लीजन, और वो चीज़ जो ये जो टोम है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ये फेरो की क्या बन गई हैं, लीजन की जो उसकी कहानियाँ थी उसमें शामिल हो गई हैं। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, अब बता रहे हैं कि उस कंटेंट के अंदर, यानी कि उस फेरो की क्या है, जो टोम है उसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट, स्टनिंग मतलब चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली, आर्टिफैक्ट मतलब वर्क ऑफ आर्ट, इन गोल्ड यानी कि गोल्ड का एक अद्भुत आर्ट था वो। अब ये चीज़, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये बनाना इस तरीके से बनाना, और 3300 साल पहले, है ना, तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। दे आर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रेजरेक्शन। रेजरेक्शन मतलब क्या होता है, मीन्स रीबर्थ, पुनर्जन्म, है ना। तो क्या कह रहा है कि भाई देयर नॉट, आप ये कह सकते हो पुनर्जीवन, है ना, कि जो उनकी जो एटर्नल ब्रिलियंस, एटर्नल का मतलब जो कभी ख़त्म ना होने वाली, वो जो चीज़ें रखी थी ना, उन वो चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी, यानी कि 3300 साल पहले रखी हुई थी और वो आज भी ऐसी की ऐसी रखी हुई थी, तो मतलब वो ख़त्म नहीं हुई। तो उनका क्या मतलब है कि गारंटी से वो क्या है, रेजरेक्शन, रेजरेक्शन का मतलब पुनर्जीवन के लिए है। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, यानी कि ये चीज़, जब ये चीज़ें देखी गई ना, तो ये एक कारण बन गई किसका, सेंसेशन का, सेंसेशन मतलब सनसनी का,
है ना, जब डिस्कवरी हुई टॉम की और उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिली, सारी चीज़ें क्या मिली वो अभी आगे पता चलेगा हमें, है ना। तो उन चीज़ों को देखकर वो क्या बन गई, सनसनी बन गई एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। यानी कि जब डिस्कवर किया था तब भी वो सनसनी का एक टॉपिक था और आज भी वो क्या है, मोस्ट अटेंशन, यानी कि सबसे ज़्यादा अटेंशन उसी चीज़ पर है। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड, लेकिन टट उनके साथ दबाया गया था विद एवरीडे थिंग्स, यानी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं वो सारी चीज़ें। ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, यानी कि जो मृत्यु के बाद उसे जिस चीज़ की ज़रूरत हो सकती थी तो वो सारी चीज़ें उसमें रखी गई थी जो रोज़मर्रा की थी। अब वो क्या क्या, बोर्ड गेम्स। अब भाई उसको मनोरंजन करने का मन करे तो क्या, बोर्ड गेम्स रख दिए। अब ब्रॉन्ज रेजर रख दिया, है ना, दाढ़ी काटने के लिए। लीनन अंडरगारमेंट्स रख दिए, ठीक है। केसेस ऑफ फूड, खाने के बक्से। अब ये जो केसेस है ना, ये कास्केट ही है, ठीक है ना, बक्सा बॉक्स। तो जो खाने के फल के बॉक्स रख दिए एंड वाइन, और वाइन के बॉक्सेस रख दिए गए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर क्या समझ में आता है कि भाई ये सारी चीज़ें रखी है तो इट मीन्स कि जो टट है उसका पुनर्जीवन होगा। आफ्टर जो डेथ है उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइफ है जिसमें टट को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।